वेटूर चंद्रशिला 1 किलोमीटर। यहाँ से चारों धाम आपको दिखते हैं, बट अभी काफ़ी सारा फॉग है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर भी एक बार मैं चंद्रशिला पहुँच के भी फिर से ट्राई करूँगा। वहाँ से चालू किया, वहाँ से ये यहाँ से फिर यहाँ नीचे, फिर वहाँ से यहाँ से यहाँ अभी जाना है, वहाँ से ऊपर, वहाँ ऊपर। अमेजिंग ट्रिक। चंद्रशिला टिक से चारों धाम दिखते हैं, टुंगना से भी दिखते हैं, बट चंद्रशिला से क्लियर दिखते हैं। अगर विज़न क्लियर रहा तो मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने के लिए। सुबह का सनराइज और इवनिंग में सनसेट का नज़ारा बहुत अद्भुत होता है यहाँ से। सुबह सनराइज़ के लिए तो हम नहीं आ पाए, बट यहाँ से अगर ट्राई करता हूँ सनसेट तक अगर रुक गया तो वो कैप्चर कर सकूँ मैं अपने ब्लॉग में। बट देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइम। नीचे भी उतरना है इतना ही, तो अभी किस तरह से सेट होता है वो हिसाब से हम करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभु। वो वहां पे है, ओप देयर। 15 मिनट, 10 मिनट और, 5 मिनट बोला था पर 10 मिनट और लगेगा। वहां से नीचे ये पूरा वहां नीचे तक। फाइनली चंद्रशिला पिक पे पहुंच गया हूँ। 1 घंटा लगा चलने में, है तो 1 किलोमीटर, बट 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा। लुक एट द व्यू। यहाँ से उत्तराखंड की ऑलमोस्ट सभी चोटियाँ दिख जाएगी आपको। यहाँ से चारधाम भी चोटियाँ भी दिखती है, बट अभी फॉग है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। चंद्रशिला
आगे छोटे शिवलिंग जी हैं, शिवलिंग भी वहाँ पे दादा विराजमान है। देखिए चंद्रशिला से नज़ारा, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। काफ़ी ठंड है, सांस भी मेरी फूली हुई है, बट आके इतना आनंद और इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है कि पूछ बता नहीं सकता। आई कैंट एक्सप्लेन, आप खुद ही आके इसका मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। फोगी एटमॉस्फियर है तो हम सनसेट नहीं देख पाएंगे, तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुकूंगा, क्योंकि आप मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, इतना फोग आ चुका है, बारिश की भी संभावना है, तो जितना हो सके इतना मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अमेजिंग है, एक बार आप खुद यहाँ आके इसका अनुभव लीजिए। चोपता से यहाँ 4 किलोमीटर का ट्रिक है, मैं तो घोड़े से आ गया था तो 1-1.5 घंटे में पहुंच गया था, बट ऐसे आप चल के आते हो तो टुंगनाथ 2-2.5 घंटे का ट्रिक है, फिर वहाँ से टुंगनाथ से यहाँ पे चंद्रशिला ट्रिक पे 1-1.5 घंटे का है, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ सही हुई तो 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे। एक और चीज़ बताता हूँ, पहाड़ी खरगोश, ये अंदर घुस गया, ये पहाड़ी खरगोश था, ये रहा, कितना मस्त लग रहा है, जैसे छोटा सा चूहा। ऐसा कहा जाता है जब राम ने रावण का वध किया था, तब राम भगवान ने यहाँ आके तपस्या की थी, यहाँ पे, ये जगह पे। जय श्री राम, हर हर महादेव। अबाउट टू रिच टुंगनाथ, अभी और 4 किलोमीटर्स अभी और नीचे उतरना है। एकदम ठंडी हवाई चल रही है, मज़ा है, बारिश नहीं हुई वो इतना अच्छा है, एकदम क्लाउडी है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेन होगी बट हुई नहीं है, वो अच्छी बात है। एक मुझे टुंगनाथ चढ़ते इतना प्रॉब्लम हुआ, यानी थक बहुत गया, बट एक आदमी से मिला रहा हूँ, वो है मेरे फादर, ही इज़ 72 ईयर्स ओल्ड, बट वो थके बिना चढ़े हैं, उतरे भी है, ही इज़ माई फादर। वो टुंगनाथ से चंद्रशिला ट्रिक चढ़ के उतरे भी है। सैल्यूट बॉस, इतने उनके जितनी स्ट्रेंथ अपने में नहीं है। हर महादेव। ये कुछ सकुंड है, सकुंड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट जाके एक बार देखता हूँ। आकाश कुंड है। अच्छा, गौमुख जैसा बनाया हुआ है, गौमुख से पानी आ रहा है, टुंगनाथ मंदिर से थोड़ा नीचे है ये प्लेस। लिविंग चोपता नाउ, अभी चोपता से बद्रीनाथ जा रहे हैं, कुछ 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, रास्ते में 2 होल ले लेंगे। 2 डेज वी स्पेंट इन चोपता, मज़ा आएगा। बेस्ट सीजन टू कम इन चोपता इज़ दिसंबर टू मार्च, वहाँ आपको स्नो मिलेगा,
बहुत अच्छा एटमोसफियर भी मिलेगा। कोल्ड होगा जरूर सर, बट ये दिस इज़ द बेस्ट सीजन यू कैन कम टू चो। जय बद्री सर।